इस बीच एक बड़ी खबर ब्यावर के रायपुर से मिल रही है। अमरपुरा से सेंदड़ा के बीच मालगाड़ी बेपटरी हो गई। एक इंजन और एक डिब्बा पटरी से उतर गया। पटरी पर पत्थर आने से यह हादसा हुआ। सेंदड़ा थाना पुलिस और रेलवे के अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। अभी जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार ये मालगाड़ी है, तो गनीमत ये रहेगी कि कोई जनहानि नहीं होगी, लेकिन लोको पायलट होंगे और ऐसे में अभी भी आशंका है कि बड़ा हादसा ना हुआ हो। फिलहाल अमरपुरा से सेंदड़ा के बीच मालगाड़ी बेपटरी हो गई। एक इंजन और एक डिब्बा पटरी से उतर गया। जैसे कि हमने आपको कहा कि लोको पायलट को लेकर अभी भी आशंका है कि उसकी हालत कैसी होगी, क्योंकि इंजन और एक डिब्बा पटरी से उतरा है। हालांकि मालगाड़ी है तो यात्री इसमें नहीं होंगे, लेकिन पटरी पर पत्थर आने से हादसा हुआ है। तो आप जरा सोचिए, किसी ना किसी की ये शरारत हो सकती है। आखिर पटरी पर पत्थर आया कैसे? सेंदड़ा थाना पुलिस और रेलवे के अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं और फिलहाल जांच शुरू कर दी गई है। ये जानने की कोशिश की जा रही है कि आखिर यह हादसा हुआ कैसे, क्योंकि अब आए दिन ट्रेन से जुड़े हादसों की खबरें अब आम हो चली है। लगातार इस तरह की दुर्घटनाएं अब आम हो चली है और ऐसा होना कई तरह के सवाल खड़े करता है, क्योंकि चाहे हम ट्रेन के सफर की बात करें, यात्री सफर की बात करें जो हम ट्रेन से करते हैं, या फिर उन मालगाड़ियों की बात करें जिसे सबसे सुरक्षित माना जाता है। पटरियों पर सफर सबसे सुरक्षित था, लेकिन अब इसे कहना अतिशयोक्ति होगी, क्योंकि लगातार इस तरह से हादसे बढ़ते जा रहे हैं। एक इंजन और एक डिब्बा पटरी से उतर गया। अभी ये जानकारी नहीं मिल पाई कि ये हुआ कैसे हादसा, क्योंकि अधिकारी मौके पर मौजूद है। फिलहाल जांच जारी कर दी गई है। वही हमारे सहयोगी रायपुर से सुनील हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। सुनील, जिस तरह से जानकारी मिल रही है कि पटरी पर पत्थर आ गए, तो बहुत बड़ा सवाल यही है कि आखिर पत्थर वहां पर पहुंचे कैसे, कैसे पहले निरीक्षण नहीं किया गया? अभी आपके पास क्या अपडेट है, जरा जानकारी दीजिएगा। जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा। रायपुर उपखंड के ये लालपुरा का मामला है। यहाँ पर हरिपुर से करीबन 20 किलोमीटर दूरी पर ये मालगाड़ी उतरी है। करीबन आज सुबह से ही बारिश का दौर चल रहा है, तो यहाँ पे क्या है कि वो पहाड़ी इलाका है पूरा ही। बताया जा रहा है कि बरसात के चलते ये पत्थर जो है पहाड़ी से उतरकर ये पटरी पर आ गया था, उसके चलते ये मालगाड़ी उतर गई। फिलहाल रेलवे के अधिकारी और स्थानीय पुलिस भी मौके पर मौजूद है। तो ये मानकर ये चला जा रहा है सुनील कि प्राकृतिक कारणों की वजह से पत्थर आए हैं या किसी की शरारत हो सकती है? फिलहाल कोई जनहानि तो नहीं हुई, क्योंकि इंजन भी पट रहा है, तो लोको पायलट की हालत कैसी है? बिल्कुल, बताना चाहूंगा कि ये जो बारिश का दौर चल रहा है उसी के चलते आसपास पूरा पहाड़ी इलाका है, और पहाड़ी इलाका से ये सटा होने से बारिश के चलते ही ये पटरी पर पत्थर आके गिरा था। और बताया जा रहा है कि अभी तक कोई गनीमत नहीं रही है और गाड़ी जो है वो स्लो गति से थी वो। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया सुनील, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। तो जो वजह सामने आई है वो है प्राकृतिक कारण, क्योंकि पहाड़ी इलाका है जहां से ये मालगाड़ी जा रही थी, लेकिन प्राकृतिक कारणों की वजह से बारिश अभी फिलहाल चल रही है बहुत ज्यादा, और ऐसे में पत्थर पटरियों पर आ गिरे। और ये तस्वीरें आपके सामने, जरा देखिए, पूरा पहाड़ी इलाका, जगह बिल्कुल भी नहीं है साइडों से, और पत्थर जो पहाड़ी से टूटकर नीचे गिरे पटरी पर आ गए, और इसी वजह से मालगाड़ी का एक इंजन और एक डिब्बा बेपटरी हो गया। तस्वीरें आपके सामने जरा देखिए। चलिए, ये राहत की बात है कि किसी की शरारत नहीं है, प्राकृतिक कारण है, लेकिन प्राकृतिक कारण भी बहुत ज्यादा डराने वाले हैं, क्योंकि ज्यादातर ये होता है कि जहां पर पहाड़ी इलाका होता है, जहां से पटरियां बीच में से जाती हैं, वहां पर उस पहाड़ी को कवर कर दिया जाता है, ताकि मॉनसून सीजन में लगातार जो पहाड़ियों से पत्थर टूटकर गिरते हैं वो सीधा पटरियों पर ना आए। हालांकि जांच का विषय है, जांच के बाद ही सब कुछ साफ हो पाएगा, लेकिन सबसे पहले जो तस्वीर सामने आई है, फर्स्ट इंडिया न्यूज पे जरा देखिएगा, ये मालगाड़ी जिसका एक इंजन और डिब्बा बेपटरी हो गया। गनीमत रहे कि कोई जनहानि नहीं, कोई ऐसा हादसा नहीं, लेकिन फिर भी सवाल खड़े होते हैं। जांच के लिए अधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं। अमरपुरा से ये मालगाड़ी आगे की तरफ बढ़ रही थी, पत्थर बहुत ज्यादा भारी, काफी संख्या में, और एक बहुत बड़ा हादसा हो सकता है अगर ये कोई यात्री से भरी हुई ट्रेन यहां से जाती है। गनीमत रही मालगाड़ी बहुत ज्यादा नुकसान नहीं, लेकिन अभी भी आशंका इस बात को लेकर, क्योंकि मॉनसून सीजन में इस तरह की पहाड़ियों से पत्थर टूटने की गतिविधियां लगातार जारी रहती है। प्राकृतिक कारण जरूर है, लेकिन इसे लेकर भी प्रशासन को ध्यान देने की जरूरत, रेलवे प्रशासन को ध्यान देने की जरूरत है।